नमस्कार दोस्तों, SPL STUDY में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम संगीता गुप्ता है। मैं आपको इस SPL STUDY पर होम साइंस सब्जेक्ट में नेट, TGT और PGT की प्रिपरेशन कराती हूँ। मैं आपके लिए आज इस चैनल पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है कि गर्भ में जुड़ा बच्चे का निर्माण कैसे होता है। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम जुड़ा बच्चे को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पर्म और ओवम क्या होते हैं। पहले यार मैंने इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इसको बताने से पहले आप देख लेते हैं कि ये ओवम होता है और ये स्पर्म होता है। ये फीमेल एम्ब्रियो में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। यही दोनों होते हैं किसी भी बच्चे के निर्माण के वाहक होते हैं। और ये देख रहे हैं ये केंद्रक होता है, ये दोनों केंद्र मिलने से किसी बच्चे का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स यक्स एक्स जो क्रोमोसोम की ये स्त्रियों में पाया जाता है और यक्स वाई जो होती है वो पुरुषों में पाया जाता है। जो यक्स एक्स जो होता है, ये यक्स एक्स मिलते हैं, एक तो एक लड़की का निर्माण होता है और वाई और यक्स मिलते हैं तो एक बॉय का निर्माण होता है। तो ये होते हैं कि कैसे बच्चे बनते हैं। तो यक्स एक्स मिलने से लड़की और यक्स और वाई मिलने से लड़का बनता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि लिंग का निर्धारण कौन से क्रोमोसोम से होता है। लिंग का निर्धारण वाई क्रोमोसोम से होता है। तो क्योंकि यदि ये मिलेगा तभी लड़का होगा, नहीं तो लड़की ही होगी। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के पास दो एक्स है और पुरुषों के पास एक एक्स है और एक बीमेल होता है, जिसको हम वाई कहते हैं। जब ये वाई मिलेगा तो एक्स से, तभी जो है लड़की का निर्माण। अब ये होता है हमारा कि एक बच्चे का निर्माण कैसे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक हमारा ट्विंस। ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, यानी एक समान रूपी जुड़वा बच्चे और असमान रूपी जुड़वा बच्चे। जो एक समान रूपी जुड़वा बच्चे होते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक ही गुण, एक ही चेहरा के होते हैं, एक समान के होते हैं। इस कह सकते हैं कि हम एक ही लिंग के होते हैं। जैसे देखिए कैसे होता है, ये स्पर्म, ये स्पर्म होता है यानी ये मेल में पाया जाता है और ये ओवम होता है ये फीमेल में पाया जाता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं समागम के समय, या तब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ओवम का केंद्र और स्पर्म का केंद्र ये आपस में मिलने के बाद एक नए जायगोट का निर्माण होता है। इस जायगोट से ही एक बच्चे का निर्माण होता है। तब ये जो जायगोट होते हैं वो पहले एक कोशिका, फिर दो कोशिका, फिर चार कोशिका, फिर आठ कोशिका, 16 कोशिका, 32 कोशिका, ऐसे ऐसे ये बढ़ते बढ़ते एक बच्चे का भी ले लेते हैं। तो ये होता है बच्चे का निर्माण। लेकिन यहाँ पर जुड़वा बच्चे का मतलब होता है कि यही जब कोशिका होती है, फिर एक नए सेल का रूप होती है, तब ये कोशिका दो भागों में टूट जाती है। जो एक सेल होती है ये दो भागों में टूट जाती है और इन दोनों भागों में एक भाग में बच्चे का निर्माण और एक भाग में एक बच्चे का निर्माण। और लेकिन इसको देखने वाला प्लेसेंटा, जिसमें ये देखिए प्लेसेंटा होता है, जिसका इसको देखने से प्लेसेंटा से दोनों बच्चों का पोषण माँ से मिलता रहता है। और ये दोनों बच्चे या तो दोनों बॉय होंगे और या तो दोनों गर्भ होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये स्पर्म, क्योंकि एक स्पर्म है और एक ओवम है, इन दोनों में यह है कि वो एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम से दो भागों में टूटते हैं, इसीलिए इनके जो लिंग होते हैं वो एक समान होते हैं। तो ये होता हमारा एक समान रूपी जुड़वा बच्चे। अब देखते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। ये जो होते हैं ये दोनों या तो दो लड़की, यानी ये दोनों एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, या दोनों लड़के हो सकते हैं, या तो दोनों लड़कियां हो सकती हैं। ऐसे देखते हैं ये हमारे
मतलब कि स्त्रियों के गर्भ में कैसे इसका निर्माण होता है, तो इसमें वैसे तो एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो यौवन होते हैं ये अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब जो महिलाओं का पाया जाता है उसमें दो ओवम चले जाते हैं। तो जो दो ओवम चले जाते हैं तो एक ओवम से एक बच्चे का निर्माण और एक ओवम और स्पर्म से एक बच्चे का निर्माण होता है। और इन दोनों बच्चों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग प्लेसेंटा से होता है। ये देखिए ये दोनों बच्चे जो हैं अलग अलग प्लेसेंटा से आगे की तरफ वृद्धि अपना विकास करते हैं और माँ से जो पोषण मिलता है ताकि बच्चों को अलग से मिलता है या प्लेसेंटा का अलग से मिलता है। तो ये दोनों जो विशेषताएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी ये दोनों की जो क्वालिटी होती है, जो आदतें होती हैं, जो उनके जीव वो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये होते हैं हमारे असमान रूप जो बच्चे, ये दोनों एक लड़का हो सकता है और एक लड़की हो सकती है, और या दोनों ही लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। तो ये है हमारा जुड़वा बच्चे घर में कैसे पलते हैं, कैसे बनते हैं। तो एक दो होता है एक समान रूप जुड़वा बच्चे और असमान रूप जुड़वा बच्चे। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा क्या कमियाँ इस वीडियो में थी।